डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम ग्रास ऊपर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ग्रास ऊपर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चूँकि इसमें मेल और फीमेल दोनों एनिमल पृथक पृथक होते हैं, यानी कि अलग अलग इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनके अंदर पाई जाती है। और जो मेन डिफरेंस इसके अंदर होता है कि जो फीमेल ग्रास ऊपर है उसका जो एब्डोमिनल रीजन है उसके जो पीछे का सिरा होता है वहाँ पर एक ओविपोजिटर संरचना पाई जाती है, जिसके कारण हम उसको मेल और फीमेल दोनों उसमें डिफरेंस जो है आसानी से समझ सकते हैं। यानी कि जो ओविपोजिटर है वो केवल फीमेल के अंदर पाया जाता है, मेल के अंदर वो एब्सेंट रहता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये डायग्राम है, जिसमें आप हम पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं कि एक मीडियन लिगामेंट है जिसके द्वारा ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तीसरे से और जो फिफ्थ सेगमेंट है एब्डोमन का उसके अंदर ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें टेस्टिस जो है इस सेगमेंट में अंदर पाए जाते हैं। टेस्टिस इसके अंदर वो संरचना है, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है उसके द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, और इन जो टेस्टिस है उससे फिर एक जोड़ी पतली नलिकाएँ निकलती है। वो नलिकाएँ जो है वासर डिफरेंशिया कहलाती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं इसमें कि जो मोटी वाली संरचना है वो टेस्टिस है। इसके अंदर जो टेस्टिस वाला जो संरचना है वो जो मेल ग्रास ऊपर है उसमें जो इंटेस्टाइन के जस्ट ऊपर की तरफ जो है एक जोड़ी इसके अंदर टेस्टिस होते हैं, और वहीं से ये वासर डिफरेंशिया या जिसको हम जो शुक्र वाहिका कहते हैं वो नलिकाएं इसके अंदर पाई जाती है। ये दोनों पीछे की तरफ निकलती हुई आती है, और ये नलिकाएं छोटी होती है, लंबी होती है, कुंडलित होती है, और पीछे की तरफ आकर ये जो बॉडी का नाइन्थ सेगमेंट है एब्डोमेन वाला उसमें पीछे की तरफ आकर और एक इजेकुलेटरी डक्ट के अंदर ये खुल जाती है। जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं इसके अंदर कि ये जो ये टेस्टिस हैं और टेस्टिस से ये संरचनाएं जो निकल रही है ये वासर डिफरेंशिया है, और वासर डिफरेंशिया आकर मिल रही है इजेकुलेटरी डक्ट में, इसको स्क्लेन वाइनी भी कहते हैं। पीछे की तरफ ये आकर खुलती है। ये जो इजेकुलेटरी डक्ट होती है इसके अंदर जो कोपुलेटरी ऑर्गन होते हैं, जो पेनिस होता है, वो इसके द्वारा बाहर की तरफ खुलते हैं। जो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ ये वाली संरचना, ये इसके कोपुलेटरी ऑर्गन है जिसको पेनिस कहा जाता है, और यहीं पर जो एसेसरी ग्लैंड्स आप देख रहे हैं इसके अंदर, इसके ये वाली जो संरचना है ये एसेसरी ग्लैंड्स हैं। ये एसेसरी ग्लैंड्स भी इसमें जो इजेकुलेटरी डक्ट है उसके पास ही एक जोड़ी एसेसरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये जो एसेसरी ग्लैंड्स है वो इजेकुलेटरी डक्ट के जो आगे का सेगमेंट होता है उसके अंदर जाकर खुलती है। इससे एक तरल पदार्थ का सिक्रेशन किया जाता है जो कि इन ग्रंथियों के द्वारा, जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं इनके द्वारा एक लिक्विड का सिक्रेशन होता है जो कि जो इजेकुलेटरी डक्ट है उसके अंदर इनको छोड़ दिया जाता है। तो ये जो इजेकुलेटरी डक्ट के अंदर जो लिक्विड होता है उस लिक्विड को कोपुलेशन के समय जो नर के शुक्राणु जब मादा में पहुंचाए जाते हैं तो इस लिक्विड की जो है उसमें हेल्प होती है, ये आसानी से उन शुक्राणुओं को सुरक्षित जो है ले जाता है। प्रत्येक जो एसेसरी ग्लैंड है उससे एक और नलिका जुड़ी रहती है जिसको हम कहते हैं सेमिनल वेसाइकल्स या वेसिकुलम सेमिनलस जो कहा गया है। ये शुक्राशय का कार्य करता है, यहाँ पर शुक्राणुओं को संचित रखा जाता है, और जब कोपुलेशन की क्रिया होती है तो यहाँ से शुक्राणुओं को जो है मादा के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
तो ये प्रमुख रूप से जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो ऑर्गन्स है उनमें देख रहे हैं आप कि जो तीसरा चौथा और पांचवा जो सेगमेंट है इंटेस्टाइन के ऊपर, वहाँ पर एक जोड़ी टेस्टिस हैं और जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा स्पर्म का निर्माण होता है, वहाँ से जो वासा डेफरेंशिया एक जोड़ी निकलती है पीछे की और आकर, और किस में खुल रही है, ये इजेकुलेटरी डक्ट में। इजेकुलेटरी डक्ट को स्क्लेन वाहिनी भी कहते हैं। और यहीं से फिर स्क्लेन वाहिनी के पीछे की तरफ जो है जो कोपुलेटरी ऑर्गन है वो पेनिस जो है बाहर की तरफ निकला रहता है। और यहीं से इसमें एसेसरी ग्लैंड्स मिलती है, वेसिकुलम सेमिनलस जो है इसके अंदर खुली रहती है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। दूसरा हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी जो है मेल जो ग्रास ऊपर होता है उसी के जस्ट जैसे ही जो है इसमें उसी उन्हीं सेगमेंट में एक जोड़ी अंडाशय इसके अंदर होते हैं, जो कि जो मीडियन लिगामेंट है उसके द्वारा जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर लटके हुए रहते हैं। जो अंडाशय है वो इसके अंदर प्रत्येक अंडा जो अंडाशय है उसके अंदर 6 से 8 ओवरियोल्स पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं इसके अंदर जो छोटी जो ये वाला अंडाशय वाला भाग है और इसके अंदर ये छोटी संरचनाएं जो आप देख रहे हैं इसमें ये ओवरियोल्स पाई जाती हैं। ये एक क्रम के अंदर लगी हुई रहती है। जो ओजेनेसिस की क्रिया है या ओगोनियम या अंडाशय के अंदर जो ओसाइट्स का जब निर्माण होता है तो धीरे धीरे ये जो अंडे हैं वो जो ओगोनिया हैं वो पीछे की तरफ बढ़ते जाते हैं और प्राइमरी ओसाइट का निर्माण करते हैं। फिर इसके बाद में और ये ओवरी से पीछे की तरफ आते हैं और इनके ऊपर एक आवरण या कवच जो है कोरियम का स्रावित किया जाता है। इस प्रकार से जब इनके ऊपर कवच का आवरण हो जाता है तो एक माइक्रोपाइल जो है छिद्र जो अंड द्वार होता है वहाँ पर एक छिद्र का निर्माण हो जाता है। और जब कोपुलेशन की क्रिया होती है यानी कि मेल और फीमेल में जब प्रजनन की क्रिया होती है उसी समय इस जो ये माइक्रोपाइल या छिद्र जो होता है उसके द्वारा शुक्राणु इस अंडाणु तक जो है पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाकर इसको फर्टिलाइज करते हैं। तो इस प्रकार से इनके अंदर जो अंडाशय से फिर एक जोड़ी जो छोटी वाहिनियाँ जैसे कि टेस्टिस के अंदर ग्रास ऊपर मेल के अंदर जो व्रसन था उससे एक जोड़ी वास डिफरेंस निकलती है, ठीक उसी प्रकार से फीमेल के अंदर भी यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इसमें एक जोड़ी इसमें ओविडक्ट निकलती है। ये जो ऊपर से अंडाशय हैं अंडाशय के बाद में एक जोड़ी अंडवाहिनी या ओविडक्ट इससे पीछे की तरफ निकलती है और जो एब्डोमेन का जो 7th वाला सेगमेंट है वहाँ पर पीछे की तरफ मलाशय के नीचे की तरफ जो है अंडवाहिनी दूसरी अंडवाहिनी से मिल जाती है और एक दोनों अंडवाहिनियाँ मिलकर एक पेशीय मस्कुलर जो है वेजाइना का निर्माण करती है। जैसा कि आप पीछे आप देख रहे हैं कि ये दोनों अंडवाहिनियाँ मिलकर और ये एक वेजाइना का निर्माण जो है इसके अंदर करती है। तो इस प्रकार से जो वेजाइना के ऊपर की तरफ जो छोटी नलिका एक होती है जहाँ पर एक स्टोरेज चैम्बर होता है वहाँ पर ये नलिका खुलती है जिसको हम सेमिनल रिसेप्टिकल्स कहते हैं या शुक्रवाही ग्राहिका कहते हैं। ये छोटी नलिका जो आप देख रहे हैं ये स्पर्मेथिका या इसको हम सेमिनल रिसेप्टिकल्स कहते हैं या शुक्रग्राहिका कहते हैं। यहाँ पे इस शुक्रग्राहिका में जब कॉपुलेशन के द्वारा जो मेल ग्रास ऊपर होता है उससे शुक्राणु जो प्राप्त किए जाते हैं उनका यहाँ पर संचय किया जाता है और यहाँ से एसेसरी या कोलेट्रल ग्लैंड्स इसके अंदर पाई जाती है। ये एसेसरी या कोलेट्रल ग्लैंड्स जो होती है एक प्रकार के सीमेंट का सिक्रेशन करती है जो जो अंडे होते हैं उनको आपस में चिपकाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार ये मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम था कि आपको जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी संरचनाएं हैं। टेस्टिस है, वासा डेफरेंशिया है, इजेकुलेटरी डक्ट है, कोपुलेटरी ऑर्गन है और जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं।
इसी प्रकार से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी जो इसके अंदर एक पेयर जो ओवरी होती है, उसके बाद में ओवरी से ओविडक्ट निकलती है, ओविडक्ट मिलकर वेजाइना का निर्माण करती है, स्पर्मेथिका होती है जहाँ पे शुक्राणुओं का संचय किया जाता है, और एक्सेसरी ग्लैंड्स इसके अंदर होती है। इसके बाद में इसका जो लाइफ साइकिल होती है ग्रास ऊपर की, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ग्रास ऊपर है ग्रीष्म ऋतु में ये प्रजनन करते हैं, और जब इसमें जब शुक्राणु जब अंडाणु के अंदर या जो माइक्रोपाइल होता है उसके द्वारा प्रजनन क्रिया के बाद में जब शुक्राणु को छोड़ा जाता है तो ये वेजाइना में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर ये शुक्रग्राहिका में संचित कर लिए जाते हैं, और फिर मादा जब अंडे देना प्रारंभ करती है तो इनका जब ये जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है वो अंडवाहिनी का जो नीचे का भाग है उसके अंदर ये फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद में इसमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जब डेवलपमेंट होता है तो डेवलपमेंट में इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो करीबन 3 सप्ताह तक चलता है, और उसके बाद में इसमें एक विश्राम काल या डाइपोज अवस्था आती है, क्योंकि जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो ये डाइपोज अवस्था में चले जाते हैं, सुप्ता अवस्था में अंडे चले जाते हैं, लेकिन जब वापस फेवरेबल कंडीशन आती है यानी कि बसंत ऋतु आती है तो वहाँ पर फिर इनमें वृद्धि होने लग जाती है एम्ब्रियो के अंदर, और उससे एक निम्फ बाहर निकलता है। तो निम्फ में फिर निर्मोचन की क्रिया होती है, निर्मोचन की क्रिया के बाद में मोल्टिंग या निर्मोचन की क्रिया होती है, और उससे 5 या 6 निर्मोचन के बाद में एक वयस्क टिड्डे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस इसके अंदर होती है, और उसके बाद में जो है जननांगों का डेवलपमेंट इसके अंदर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस हम देखें तो क्योंकि ये फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं, जैसा अभी आप पिछले दिनों देख चुके हैं कि जो टिड्डी दल आया था उसने फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, तो फसल के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, बहुत सारी फसलों को ये चट कर जाते हैं, जहाँ पर टिड्डियाँ बैठती है वो पूरी की पूरी फसल जो है नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये आर्थिक नुकसान जो है पहुँचाते हैं। थैंक यू।